बरेली के भुता थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ रेप की घटना एक नाबालिग लड़के ने अंजाम दी। बताया जाता है कि 16 सितंबर को नाबालिग घर से बाहर निकली थी। इस दौरान उसे आरोपी पड़ोस की झोपड़ी में खींच कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता ने डर की वजह से घर में कुछ नहीं कहा। जब कल उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे परिवार के लोगों ने फरीदपुर CSC पर दिखाया, जहां डॉक्टर ने मामले को समझते पुलिस को मामले की सूचना दी। बाद में दोनों पक्षों में पंचायत हुई, लेकिन मामला नहीं निपटा। बाद में पीड़िता के माता पिता ने भूता थाने में घटना के संबंध में शिकायत की। इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठे हैं। SSP रोहित सिंह सजवाण ने कहा कि थाना भूता के अंतर्गत 9 वर्षीय बालिका के माता पिता द्वारा थाने पर तहरीर दी गई कि उनके पड़ोस में रहने वाले 13 वर्षीय लड़के द्वारा उनकी बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया है। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। थाना भूता के अंतर्गत एक 9 वर्षीय बालिका के माता पिता के द्वारा थाने पर यह तहरीर दी गई कि उनके पड़ोस के रहने वाले एक 13 वर्षीय लड़के के द्वारा उनकी बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया। पुलिस के द्वारा इसमें पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। जो बाल अपचारी है उसको हिरासत में ले लिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण और 164 CRPC के अंतर्गत बयान कराए जाने की प्रक्रिया चल रही है। इसमें पीड़िता की माँ के द्वारा ये बताया गया है कि उन्हीं के गाँव में पहले दोनों पक्षों के द्वारा आपस में बातचीत की जा रही थी, और इसमें उनके द्वारा बताया गया है कि पुलिस को उन्होंने शुरू में सूचना नहीं दी थी, फिर भी पुलिस के ऊपर कुछ लगे आरोपों की जांच जो है वो SP ग्रामीण के द्वारा कराई जा रही है, और इसमें निष्पक्षता पूर्वक संपूर्ण कार्रवाई कराई जाएगी। देवेंद्र पटेल की रिपोर्ट।